मसीह में आप सबको सलाम। प्यारे मसीह बहन भाइयों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज जो हम ठाट कर रहे हैं, ये ठाट है भैरो। भैरो ठाट के कुछ राग करेंगे हम। तो भैरो ठाट का सबसे पहला जो राग हम कर रहे हैं, ये राग है कलंका। तो इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है। तो वादी सुर इसका पा है, संवादी सुर इसका सा है। राग कलंका, जाति संपूर्ण संपूर्ण है पहला राग भैरव ठाट का। तो ठाट भैरव आपको पता है, इसमें सारे गामा पधनी सा नी ध प म ग रे सा, शुद्ध गा और शुद्ध नी लगती है इसमें। तो राग कलंका ऐसे है, सा नी पकड़ बताने का टाइम नहीं, लेकिन ये राग संपूर्ण संपूर्ण है, इस वजह से आपको पकड़ बता रहा हूं। या आप कहें जी ये तो भैरव ही है, जी भैरव ठाट का ही भैरव ही है, या भैरव ठाट है या भैरव राग है, तो ये इसकी पकड़ ऐसे है। पकड़ है इसकी। सो अगला राग हम करेंगे, दूसरा जो राग है ये राग है हीर भैरव। तो ये भी खमाज खमाज अंग से मिलता है जाग। हीर भैरव सारे का वादी सुर माँ है, संवादी सुर इसका सा है। अभी हम अगला राग देखते हैं। अगला जो राग है ये है आनंद भैरव। ये ऐसे है सारे प्रो ऐसे है सा नी ध प म ग रे सा। वादी सुर मा, संवादी सुर सा है इसका। सा नी ध प म ग रे सा। राग किलिंगड़ा ठाट बताइए आप सबको भैरव। सा रे ग म प ध नी सरे गम बधनी सा नी ध प म ग रे सा नी ध नी सा ग रे सा ग रे सा प सुर इसका पा है, संवादी सुर इसका सा है। राग का लिंगड़ा
गुण करी। अभी जो हम राग करेंगे इस राग का नाम है राग गुण करी, और वो ऐसे इसका सारे राग गुनकली सरे म प ध स ध ब म रे स रे। इस राग को गुरुकली भी कहते हैं, गुनकली भी कहते हैं। तो इसका वादी सुर जो है वो धा है, संवादी सुर इसका रे है। अभी हम जो राग कर रहे हैं इस राग का नाम है गौरी, ये पूर्वी में भी है और भैरव में भी है। सरे म पनी सा सरे म पनी सा नी सा सरे म पनी सा नी वादी सुर है रे, संवादी सुर है इसका पा। अभी जो हम राग करेंगे ये राग है जोगिया। सरे म प ध स सरे म प ध स सरे म प ध राग जोगिया। बहुत अच्छे तरीके से अगर इसका रो अवरोह हो, वादी संवादी का पता हो, तो इंसान अच्छे तरीके से इसका करता। वादी सुर जो है इसका वो माँ है, संवादी सुर इसका सा है। सरे मा प ध स सनी ध प ध म रे। वैसे ये जितने राग मैं बता रहा हूँ अभी ठाट जो मैंने शुरू किए, ये चैनल पर पड़े हुए हैं राग। राग झीलफ इसका रो हम देखेंगे। स ग म प राग झीलफ स राग जीलफ का वादी सुर है धा, संवादी सुर इसका गा। अब जो हम राग कर रहे हैं दोस्तों, इस राग का नाम है राग प्रभास। राग प्रभास का रो ऐसे है सरे ग म प ध नी सरे ग म प ध नी सनी ध सनी नी ध नी ग सनी ध प म म ग रे स। फिर देख ले रो सनी ध प म वादी माँ है इसका सुर, संवादी सुर इसका सा है। राग बंगाल, राग बंगाल भैरव इसे बंगाल भी कहते हैं, राग बंगाल भी कहते हैं, बंगाल भैरव भी कहते हैं। तो इसका रो ऐसे सरे ग म प ध सरे ग म प ध स ध प म प ग म रे स। वादी सुर है इसका धा, संवादी सुर इसका रे है।
राग भैरव। सरे ग म प ध नि स स नि ध प म ग रे स। सरे ग रे ग म ग म प म प ध नि स सरे ग म प ध इसका वादी सूर्य राग भैरव का और संवादी सूर्य इसका रे है। ये था राग भैरव। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे। मेरी कोशिश यही है कि आप लोग अच्छे से अच्छा सीखें और करें, खुदा के काम को आगे लेके चलें, तो खुदा आप सबको बरकत दे। तो अगला जो राग हो, अगला जो हमारा ठाट होगा वो ठाट भैरव तो हो गया, या भैरवी, या मतलब के काफी, या इनमें से कोई दोनों में से ठाट होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल को जरूर दबाएं। जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो साथ साथ आपके पास नई वीडियो पहुंचती रहे। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।